Hello friends, welcome to my channel Tiger TV. Friends, White House से डोनाल्ड ट्रंप का बयान जारी हुआ है, जिसमें उसने तंजिया लहजे में ऐलान किया है कि इराकी ठिकानों पर अमरीकी फौजों की रहाइश पजीर ईरान के इंतकामी हमलों पर किसी भी अमरीकी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। व्हाइट हाउस के बयान के दौरान ट्रंप ने तनाव में कमी का इशारा भी किया है। ट्रंप ने कहा, ईरान खड़ा दिखाई दे रहा है, जो मुतल्लिका तमाम फरीकों के लिए अच्छी चीज़ है और दुनिया के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रंप ने कहा कि इब्तदाई इंतबाही निज़ाम ने बहुत अच्छा काम किया और किसी अमरीकी या इराकी की जाने जाया नहीं है। सदर ने ईरान पर नई पाबंदियों का भी खाका पेश किया है और इस अहद का इरादा किया है कि ईरान को कभी भी जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी फौरी तौर पर ईरानी हुकूमत पर इजाफी सजा देने वाली मुआशी पाबंदियाँ आयद कर देगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से कौम से खिताब के दौरान कहा, उनकी इंतजामिया मंगल को ईरानी मिज़ाइल हमले के जवाब में दूसरे इख्तियार पर नज़रसानी कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा, ये ताकतवर पाबंदियाँ तब तक बाकी रहेंगी जब तक ईरान अपना तर्ज अमल तब्दील नहीं करता। सिर्फ हालिया महीनों में ईरान ने बैन अवी सतह पर बहरी जहाज़ों पर कब्जा किया, सऊदी अरब पर बिला इश्तार हड़ताल की और दो अमरीकी ड्रोन को गोली मार दी। गुज़िश्ता हफ्ते एक आला ईरानी जनरल को हलाक करने वाले अमरीकी हड़ताल का बदला लेने के लिए ईरान ने बुध के रोज़ मुकामी फौजियों के दो इराकी ठिकानों पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे। इंतजामिया के अहदेदारों में ये अकीदा बढ़ता जा रहा है कि ईरान ने जानबूझकर अमरीकियों के आबाद इलाकों को याद किया। इंतजामिया के मुतअद्दिद अहदेदारों ने बुध के रोज़ CNN को बताया था। इन अहदेदारों ने यह ख्याल पेश किया है कि ईरान अपने मिज़ाइलों को ऐसे इलाकों में निशाना बनाने की हिदायत कर सकता था जहाँ अमरीकी आबाद हैं, लेकिन ईरान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इराक को पेशगी दबा मौसूल हुआ था कि स्ट्राइक होने वाली है और वो ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अपना लें और इराक इसमें कामयाब है। इराक के वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी के एक बयान के मुताबिक अमरीकी दिफा अहदेदार ने बताया कि इराक बदले में अमरीका को पेशगी दबा कर दिया था। इराक के मुश्तरक फौजी कमांडर ने कहा है कि इराकी फौजी दस्तों में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।